मार्च 1987 में पहली बार पब्लिश हुई फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बिलियनेयर लिस्ट में बिल गेट्स ने 24 में से 18 बार लगातार पहला स्थान प्राप्त करा है। लेकिन इस साल पहला स्थान प्राप्त करने वाले जिन्होंने पहली बार ये स्थान पाया है वह है बर्नार्ड अर्नोल्ड, फ्रेंच कॉन्ग्लोमेरेट लुइस वुटीन मोइट हेनेसी के चेयरमैन एंड सीईओ। कैसे वह पहली बार फोर्ब्स की लिस्ट में पहला स्थान पाने में कामयाब हुए बहुत दिलचस्प है। बर्नार्ड से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप भी बर्नार्ड की स्टोरी से कुछ सीख पाए और उसे अपनी लाइफ में उतार सके। फ्रेंच मैन्युफैक्चरर जीन लियोन अर्नोल्ड के घर जन्मे 5 मार्च 1949 को फ्रांस के शहर रोबेक्स में बर्नार्ड ने अपनी स्कूलिंग लाइसी फेदरबी लिली से करी है एंड अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करी है इकोल पॉलिटेक्निक से। स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद वह अपने फादर की कंपनी के साथ साल 1971 में जुड़े और अपने पिता की सिविल इंजीनियरिंग कंपनी में एज अ इंजीनियर के तौर पर काम करा और कंपनी के विस्तार और विकास में अपना अहम रोल निभाया। बर्नार्ड ने अपने पिता को सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग कंपनी में ही सीमित न रहकर रियल इस्टेट में भी कदम रखने के लिए मनाया, जिसके बाद बर्नार्ड के फादर ने अपनी कंपनी फेरेट सेवेल के इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन डिवीजन को सेल कर अपनी कंपनी का नाम बदलकर फर्नल रख लिया। साल 1984 में फ्रेंच गवर्नमेंट एक ऐसी कंपनी व्यक्ति की तलाश कर रही थी जो बोसैक सेंट फ्रेरेस एम्पायर, जो कि उस समय का सबसे बड़ा रिटेल कॉन्ग्लोमेरेट था जो कि क्रिश्चियन डियोर ब्रांड ओन करती थी, उसे एक्वायर कर सके, ऐसे कंपनी की खोज कर रही थी। जैसे ही ये बात बर्नार्ड को पता चली, उन्हें लगा यह एक मौका हो सकता है वह अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं कॉन्ग्लोमेरेट ओन करने का, जिसके बाद बर्नार्ड ने कंपनी को एक्वायर करने के लिए बिडिंग करी और बिडिंग वॉर जीतने के बाद बोसैक सेंट फ्रेरेस को एक्वायर कर लिया और कंपनी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जिसके साथ साथ उन्हें क्रिश्चियन डियोर बोसैक एसेट भी मिली जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर ली बॉन मार्श भी शामिल थे। धीरे धीरे बर्नार्ड ने 2 साल के अंदर अंदर 9,000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया कंपनी से एंड कंपनी की ज्यादा एसेट्स को भी सोल्ड आउट कर दिया। सिर्फ क्रिश्चियन डियोर एंड ली बॉन मार्श डिपार्टमेंटल स्टोर को छोड़कर ले ऑफ करने और कंपनी की पॉलिसीज में फेरबदल करने के कारण साल 1987 में कंपनी दोबारा से प्रॉफिटेबल बनी, जिसमें कंपनी की कुल कमाई रही $112 मिलियन की। साल 1988 में अर्नोल्ड ने $1.5 बिलियन लगाकर गिनीस, जो कि ड्राई स्टाउट कंपनी है, के साथ मिलकर एक होल्डिंग कंपनी फॉर्म करी जो कि एलवीएमएच के 24% शेयर होल्ड करती थी, जिसके बाद मार्केट में अर्नोल्ड की कंपनी के रिस्पांस में ये रूमर फैलना शुरू हुआ कि लुइस वुटीन ग्रुप एलवीएमएच के शेयर परचेज करेगा ताकि वह ब्लॉकिंग माइनॉरिटी बन सके। ब्लॉकिंग माइनॉरिटी वह इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास कंपनी के बोर्ड के द्वारा लिए गए डिसीजन को वीटो करने की पावर होती है, जिसके कारण लुइस वुटीन ग्रुप ऐसा ना कर पाए। अर्नोल्ड ने $600 मिलियन लगाकर और 13.5% शेयर और परचेस करे, जिसके कारण वह एलवीएमएच के लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए। लेकिन इतनी बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट के एक सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर सही साबित हो पाना बहुत कठिन साबित होता है, खासकर उन मेंबर्स के लिए जिनके पास कंपनी की कमांड शामिल हो। ऐसा ही कुछ एलवीएमएच में भी हुआ। अर्नोल्ड की हेनरी रेकमेर, जो कि एलवीएमएच के प्रेसिडेंट थे, उनसे कंपनी की स्ट्रेटजीज को लेकर नहीं बन सकी, जिसके बाद अर्नोल्ड ने जनवरी 1989 में और $500 मिलियन देकर कंपनी की हिस्सेदारी और खरीद ली, जिसके बाद उनके पास कंपनी के कुल 43.5% हिस्सेदारी आ गई 35% वोटिंग राइट के साथ, जिसके बाद वह ब्लॉकिंग माइनॉरिटी के लेवल तक आ पहुंचे और हेनरी को प्रेसिडेंट के पद से हटाकर कंपनी के बोर्ड से ही बाहर कर दिया, जिसके बाद वह खुद
13 जनवरी 1989 को कंपनी के चेयरमैन के तौर पर इलेक्ट हुए। जैसे ही अर्नोल्ड ने LVMH की कमांड अपने हाथ में संभाली, कंपनी ने कई नए मुकाम हासिल करे, जिसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने कई दूसरे ब्रांड्स को भी एक्वायर करा, जिसमें साल 1988 में LVMH ने सेलिन ब्रांड को एक्वायर किया, बेलोटी एंड केंजो को साल 1993 में, साल 1994 में परफ्यूम ब्रांड ग्योलेन को, 1996 में लोबी, साल 1997 में मार्क जेकब्स एंड सिफोरा को। आज LVMH ग्रुप 70 से भी ज्यादा ब्रांड्स को ओन करती है, चाहे वो फैशन एंड लेदर गुड से जुड़ी कंपनी हो, परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक से जुड़ी हो, वॉचेस एंड ज्वेलरी से जुड़ी हो। अर्नोल्ड का कंपनी के चेयरमैन के तौर पर पद संभालने के बाद कंपनी की मार्केट वैल्यू में जबरदस्त उछाल आया है। बर्नार्ड की नेटवर्थ आज के समय में 19,430 करोड़ यूएस डॉलर है। साल 2017 के अंत तक बर्नार्ड और उनकी फैमिली LVMH ग्रुप की लार्जेस्ट स्टेक होल्डर रही 46.84% की होल्डिंग एंड 63.13% की वोटिंग राइट्स के साथ। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।